श्रीलेखा दीदी असिस्टेंट प्रोफेसर है पीवीजी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड जीके पाटे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पुणे इस संस्था में। दीदी ने उनका फर्स्ट यूएच वर्कशॉप जून 2021 में किया था। बाद में दीदी ने रिफ्रेशर और यूएचवी टू का जो कोर्स है उसे भी किया है, और दीदी एक एक्टिव वॉलेंटियर भी है। तो दीदी को भी मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी बात को रखें। दीदी ओवर टू यू। धन्यवाद भैया। नमस्ते सभी को। मैं श्रीलेखा गणेश खट्टे, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे पीवीजी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जीके पाटेवानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में कार्यरत हूँ। मेरे घर में मेरे हस्बैंड, सास ससुर और मेरे माता पिता भाई हैं। बेटा अभी 12th पास होके इंजीनियरिंग एडमिशन ले चुका है। ये मेरा छोटा सा परिचय है। और यूएचपी के साथ मैं 2001 से जुड़ी हुई हूँ। वहां से मैं कंटिन्यू सैटरडे संडे मीटिंग और मॉर्निंग सेशन से जुड़ी हूँ। सुबह के सत्र में जब जुड़ना हुआ तब मेरा UHP2 नहीं हुआ था, तो पहली बार तो इतनी गति नहीं बनी थी। UHP2 को समझने के लिए मॉर्निंग सेशन बहुत ही हेल्पफुल हुआ। और उसके बाद मैंने मॉर्निंग सेशन अच्छे से सुनना और समझना शुरू किया। अभी सुबह के सत्र में जो हम एक्सप्लोरेशन करती हूँ, तो मानव को मैं मुख्य रूप में सेल्फ और बॉडी, तो सेल्फ के तौर पे स्पष्ट रूप से देख पाती हूँ। जो भी निर्णय होता है सेल्फ का होता है और वही रिस्पॉन्सिबल होता है, ये मैं समझ चुकी हूँ। प्रकृति के साथ भी मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसके लिए भी मैं प्रयास करती हूँ कि जैसे कम से कम सुविधाओं का उपयोग हो। क्योंकि जितना मैं शॉपिंग करूंगी, जितना मैं ज्यादा खरीदारी करूंगी, अनावश्यक खरीदारी करूंगी, उससे प्रकृति का एक्सप्लॉयटेशन होता है और मैं ये नहीं चाहती हूँ। तो उसके ऊपर मेरा हमेशा ध्यान बना रहता है। अस्तित्व और मानवीय आचरण को देखते हुए, अभी तो अस्तित्व के लिए इंफॉर्मेशन के तौर पे है, मैं पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन ये देख पाती हूँ कि सभी एक दूसरे के साथ है। हम प्रकृति के साथ भी है और मानव के साथ भी है। और मानवीय आचरण की बात करें तो मैं खुद के आचरण पे ज्यादा फोकस करती हूँ कि मेरा अमानवीय आचरण ना हो किसी के साथ भी, उसके लिए मैं सजग रहती हूँ। अभ्यास एक और दो में मैंने जो खुद में बदलाव देखा वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो फिजिकल फैसिलिटी से लेके कि जैसे मैंने अभी बताया कि फिजिकल फैसिलिटी कम से कम हो, और मैं खुद को उस भाव में चेक भी करती हूँ कि जब मैं बाहर जाती हूँ और होर्डिंग्स देखती हूँ कि नए कपड़े आए हैं, नया स्टाइल आया है या फिर नई तरह की ज्वेलरी आई है, तो मेरी मन की स्थिति क्या होती है, तो मैं देख पाती हूँ कि मैं बहुत स्टेबल रह पाती हूँ और मुझे कहीं पे भी इरिटेशन या फिर उसको शॉपिंग करने का मन नहीं होता है। जो कि पहले तो मतलब सैटरडे आ गया, संडे आ गया कि चलो शॉपिंग को, ऐसा ही होता था। तो मैं 1-2 साल में पूरी तरह से इस बात को देख पा रही हूँ कि मैं ये करती हूँ और कर पाऊंगी आगे भी। दूसरा मैं संबंध के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि संबंध के साथ जो भी हमारे कंसेप्ट थे, मेरे कंसेप्ट थे, वो UHV के साथ ही क्लियर हुए। संबंध क्या है और ट्रस्ट क्या है और लास्ट हमारा जो भाव होता है प्रेम क्या है, ये मैं UHV के साथ समझ पाई हूँ और मैं ये इसको एक्सप्लोर भी कर रही हूँ। तो ट्रस्ट जो है, विश्वास है, वो इंश्योर हुआ है ऐसे मुझे थोड़ा सा भी नहीं लगता है, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से सामने वाले को देखने का नजरिया वही है और वो मुझे अभी समझ में आता है कि मैं उस नजर से ही देख रही हूँ। लेकिन अब
मॉर्निंग सेशन को ज्वाइन करने के बाद उसके साथ भी, हाँ, सामने वाला भी सुखी होना चाहता है, मैं भी सुखी होना चाहती हूँ, इस विचार से मैं आराम में आती हूँ। और बाहर देखने का प्रयास थोड़ा कम हो गया है, अभी अंदर की ओर झांकना ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी बाहर की तरफ देखना हो जाता है, ये भी मैं देख पाती हूँ। संयम का भाव खुद के शरीर के लिए, तो अभी तो मतलब मैं शुरू में तो जबरदस्ती हुआ था कि नहीं, हेल्थ को मेंटेन किया तो मेडिसिन खाने पड़ेंगे और मेडिसिन के साइड इफेक्ट है, तो बस उसी बात को लेके संयम रखना होता था, लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर से खाना हो जाता था और फिर से मेडिसिन लेने पड़ते थे। तो यूएचबी में मुझे ये क्लियर हुआ कि अगर मेरे बॉडी के नर्चरिंग के लिए मैं टेस्टी फूड बना सकती हूँ और उससे भी मैं अपना हेल्थ अच्छा रख पाती हूँ, तो मैंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और जो भी अनहेल्दी फूड है घर में लाना ही बंद कर दिया पहले, और हेल्दी फूड कैसे बनाऊं और उसका थोड़ा सा प्रयोग करके मेरे जीने में आया है, तो उसका भी मेरे शरीर के ऊपर बहुत अच्छा मुझे असर दिखाई देता है, और मैं उसे कंटिन्यू भी कर पा रही हूँ क्योंकि हमारी सेल्फ की नीड तो हैप्पीनेस है, तो खाना भी टेस्टी होना चाहिए, तो वो भी बन सकता है, ये मैं जान पाई हूँ। दूसरी एक बात मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि रिलेशनशिप में जो अपोजिशन का भाव था वो अब कम हो गया है और संबंध के साथ रहने का प्रयास जारी है। कॉलेज में भी सभी लोगों के साथ जुड़ना हो पाता है, और पहले तो ऐसा लगता था कि क्लास में 70 स्टूडेंट्स है तो कैसे जुड़ पाएंगे, लेकिन इस अभ्यास के वजह से वो भी मैं कर पा रही हूँ। निर्णय कौन लेता है? तो निर्णय मैं ही लेती हूँ। पहले मैं सोचती थी कि बाहर की परिस्थिति ही जिम्मेदार है, लेकिन अभी मैं देख पाती हूँ कि जो कुछ भी है उसका निर्णय मेरा खुद का है। मेरा पहले का स्वभाव आर्ग्यूमेंट करने का था, रिएक्शन मोड में जाना था, लेकिन अभी मैं प्रपोजल के साथ जी पाती हूँ, देखती हूँ खुद को, थोड़ा पॉज लेती हूँ, सामने वाले की उतनी समझ नहीं बनी है तो रिएक्शन मोड में जाने का भी कोई मतलब नहीं है, उसे और रिएक्शन बढ़ेगी, तो मैं समझ के साथ कैसे रहूँ, प्रपोजल के साथ कैसे रहूँ, इसका मेरा प्रयास चल रहा है। कोई भी निर्णय लेते वक्त संबंध का भाव देख पाती हूँ, सही भाव के पक्ष में निर्णय ले पाती हूँ। पहले कॉलेज में अगर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो मेरे भाव बिगड़ जाते थे, लेकिन अब मैं मेरा कॉम्पिटेंस बढ़ाते हुए ये भी देख पाती हूँ कि मैं कर सकती हूँ और सही भाव के साथ वो काम भी करती हूँ। अभ्यास दो में शरीर और मैं और शरीर के बीच जो आदान प्रदान है, मैं ही उस संवेदनाओं को पढ़ती हूँ और उसका मेरे शरीर के ऊपर जो असर होता है इसको मैं थोड़ा सा देख पा रही हूँ कि जैसे कि अगर कोई अच्छी चीज सामने आ जाती है, मतलब कचौरी है या फिर कोई भी टेस्टी फूड का मन में ख्याल आ जाता है तो मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, तो वो टेस्टी फूड तो मैंने देखा भी नहीं है, सामने भी नहीं है, सिर्फ सोचने से ही सलाइवा सिक्रीशन बढ़ जाता है, तो ये मेरे विचारों का मेरे शरीर पे होने वाला प्रभाव मैं देख पाती हूँ और मैं उसे पढ़ पाती हूँ। कभी कभी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है तो वहां पे भी मैं सोचती हूँ कि एक कौन से विचार से मेरी धड़कनें बढ़ गई हैं, तो मैं स्ट्रेस में हूँ या फिर क्या हो रहा है ये मैं देख पाती हूँ। और जब वहां पे थोड़ा शांत रह के अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस को अगर मैं रेफर करूँ तो मैं देखती हूँ कि मैं नॉर्मल हो जाती हूँ, तो ये एक्सपीरियंस मैंने किया है और आगे भी मतलब मैं इसको एक्सरसाइज कर रही हूँ कि ऐसे सिचुएशन आए तो खुद को नेचुरल एक्सेप्टेंस की तरफ प्रैक्टिस करना है। पहले
मैकेनिकली काम करने की आदत थी घर में, जल्दी जल्दी सब काम करने हैं वो सजगता पूर्वक नहीं करती थी। अभी बहुत ही सजग रह के हर एक काम करती हूँ, और उसके वजह से घर के एक्सीडेंट्स होना कम हो गए हैं। मतलब पूरी तरह कभी कभी हो जाता है तो ध्यान जाता है कि कौन से विचारों में मैं थी और उसकी वजह से ये हो गया, ये मैं देख पाती हूँ। और फिर उसका जो गिल्ट होता है वो नहीं होता है, ये सब मैं उसको ठीक से एनालाइज इवेल्युएट कर पाती हूँ। अभी तो सेल्फ और बॉडी को अलग अलग देखने के लिए मेरा इतना ही प्रयास हुआ है भैया, और भी काम करना चाहती हूँ। नेक्स्ट सेशन में मैं इसके ऊपर काम करूंगी। तो और मेरी समझदारी बढ़ाने के लिए मैं हमेशा ही UHV के साथ जुड़ी रहना चाहती हूँ, कि मुझे लगता है कि सेल्फ डेवलपमेंट ही मेरा अभी नेक्स्ट गोल है। बाकी तो काम तो है ही, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए है। और जिम्मेदारी के साथ जीते हुए समाज में जो भागीदारी है उसके लिए समय निकालना, तो कॉलेज में एक सीनियर फैकल्टी होने के वजह से मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी मैं देख पाती हूँ, वो भी रिलेशनशिप में देख पाती हूँ, और UHV का भी। तो जब भी वक्त होता है मैं UHV के साथ मतलब हमारे जो UHV के FDPs होते हैं ऑफलाइन, उसके साथ रह के मेरा जितना भी हो सके उतना कंट्रीब्यूशन मैं करूंगी, उसके लिए मैं हूँ ही। और UHV के सेशंस के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। इंडक्शन प्रोग्राम में अभी फर्स्ट ईयर का इंडक्शन प्रोग्राम हुआ है, तो UHV के सेशंस के साथ प्रपोजल रखने के लिए मैं प्रयास मेरा जारी है और आगे भी रहेगा। और टीम वर्क के साथ काम करते हुए, मतलब हमारा मराठी ट्रांसलेशन का काम शुरू है, तो उसके साथ भी मैं जुड़ी हूँ ताकि ट्रांसलेशन का काम भी हो और मेरी भी गति बने। तो इसी के साथ भैया मैं अपना शेयरिंग यहाँ पे रोकती हूँ। धन्यवाद भैया। सुलेखा दीदी की शेयरिंग काफ़ी अच्छी रही। सुलेखा दीदी काफ़ी मन लगा रही हैं, अपने ऊपर भी ध्यान दे रही हैं, प्रस्ताव को भी गहनता समझने का प्रयास कर रही हैं। और जैसा उन्होंने बताया कि मॉर्निंग सेशन सुनने से UHV 2 की भी काफ़ी अच्छी उनको क्लैरिटी हुई। संवेदनाओं को देखने के अभ्यास में उन्होंने भोजन पर जिस तरह से ध्यान दिया है, अपने भाव पे ध्यान देते हुए रिएक्शन जिस तरह से कम हुआ है, बहुत सारे उपयोगी उनकी शेयरिंग रही है। और भागीदारी भी दीदी की दिख रही है, जहाँ आप कार्यरत हैं TVG में, वहाँ पे भी बहुत एक अच्छी संभावना बन रही है। पूरे संस्थान को साथ लेकर एक रीजनल सेंटर के रूप में, नोडल सेंटर के रूप में स्टैब्लिश करने की एक अच्छी संभावना है। तो बढ़िया शेयरिंग रही सुलेखा जी की।